दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम, मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल नेडू मंत्रा में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आप कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें। बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं और बहुत सारे लोग उस वो डर का फायदा उठाएंगे, इसलिए आप डरे नहीं, बने रहें एडू मंत्रा के साथ और पढ़ते रहें। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज टू ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज टू में कैसा है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले देखेंगे। अब बेसिक चीज़ों में क्या क्या है, LCM और HCF निकालना है। LCM HCF बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकाल के, है ना। सो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो सीखेंगे। हमने पहले से भी सीखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी है। प्लस LCM HCF कैसे निकालते हैं बाई यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड एंड सम फार्मूलाज आर देयर यूजिंग वो फार्मूला। कुछ हम HCF LCM भी उसे फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला लिख देते हैं। अगर कोई भी दो नंबर से आपके पास P एंड Q आर द टू नंबर्स, दीज आर द टू नंबर्स P एंड Q। सो अगर दोनों का HCF और LCM पता है, सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड दिस टू नंबर्स। सो अब देखिए क्या रिलेशन है HCF LCM और दो नंबर्स के बीच में, दैट इज HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पहला हमारा रिलेशन था। ये हम फाइंड आउट, ये अभी तो HCF LCM ये एक्सरसाइज में फाइंड आउट भी करेंगे और हम लोग उसका वैल्यूज भी निकालेंगे। अब देखिए क्या है, ये एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर जीरो के साथ एंड कब होगा वो वेरीफाई करना है। सो अब हमारे पास एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए उसके लिए। कोई भी नंबर जैसे 10 है, 10 इज नथिंग बट 2 × 5, 20 है जिसका यूनिट प्लेस जीरो है, यूनिट प्लेस। तो जीरो कब होगा, तो 10 इज 2 × 5, 20 इज 2 × 2 × 5, 30 इज 2 × 5 × 3, देन 40 इज 2 × 2 × 2 × 5, देन 50 इज 5 × 2 × 5, देन 60 इज 2 × 3 × 2 × 5। अभी हम जब भी देख रहे हैं सब में यूनिट प्लेस जीरो है और सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर में अगर फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे तो ही वो क्या करेगा, यूनिट प्लेस जीरो के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो जीरो के साथ एंड नहीं होगा। तो वो आप ध्यान में रखें कि इफ अ नंबर कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ, इफ नंबर कंटेन्स फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ, देन इट एंड्स विथ जीरो, देन इट ends with digit 0. So, ध्यान में रखना है कि if a number contains a prime factor of 2 and 5 both, then it ends with a digit 0. Otherwise, it does not ends with a digit 0. तो कोई भी number में 2 और 5, 2 और 5 दोनों ही prime factor है तो ही वो number 0 के साथ end होगा, उसका unit place digit 0 होगा, otherwise नहीं होगा। So, हम देखते हैं, चालू करते हैं अपना exercise। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो ये हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। सो लेट अस सी, पहला सबको आता है बट एक दो करूंगा मैं, आप लोग फिर पूरा करना। 140 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 140 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 140 का प्राइम फैक्टर 2 × 70, देन दिस इज 2 × 35, देन अब 35 जो है 5 के टेबल में जाएगा बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 5 है, 5 × 7, देन 7 × 1, सो दैट इज 2 × 2 × 5 × 7। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, बहुत ईजी है। कुछ और भी है जो समझनी है तो वो एक ले लेते हैं, दैट इज 5005। सो 5005, अब ये जो नंबर है 5005, इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, सो मतलब 5 के टेबल में तो डेफिनेटली जाएगा। तो 5 के टेबल में 5 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा, अब ये कौन से टेबल में जाएगा कैसे पता चले,
जब हम ऑल्टरनेट डिजिट ऐड करते हैं वन एंड जीरो, सो इट विल बी जीरो वन, और ये वन एंड जीरो विल बी वन. तो जब भी एडिशन ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल, देन इट इज डिविजिबल बाई 11 बाई डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे पढ़ा था हमने. सो 11 के टेबल में जाएगा, 11 नाइन जा 99, 100 में से 99 गया तो 1, 1 एंड 1, 11 वन जा 11. अब ये देखिए 91, इट मीन 7 के टेबल में जाने वाला है, 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 21, देन 13 इज 13 इंटू 1. सो सिंपल था, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. सो इसको और भी क्या क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 रेस टू 2 इंटू 5 इंटू 7. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस टू नंबर्स, बाकी का आप ट्राई करें और निकालें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो LCM HCF निकालनी है और वेरीफाई भी करनी है. ईजी है, एक दो मैं करूंगा, बाकी आप एक करेंगे खुद से. सो 26 एंड 91 का मैं निकालता हूं. सो 26 इज नथिंग बट 2 इंटू 13, 91 इज 7 इंटू 13. सो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल ली. अब हम लोग निकालते हैं HCF. HCF इज कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 13. सो लिख देंगे 13. फिर LCM इज नथिंग बट कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर इज 13 इंटू अनकॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 7, 2 इंटू 7. सो 13 इंटू 7, 2 जा 14. सो 13 14 जा 13 इंटू 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, सो इट्स 182. सिंपल है. जैसे ये हमने निकाल ली, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे. वेरीफाई करने के लिए लिखते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट में LCM इंटू HCF करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF. LCM इज व्हाट, 182 इंटू HCF इज 13. सो 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5 इंटू 281. सो दिस इज 6 6, 5 प्लस 8 इज 13, 13 2366. जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया LCM इंटू HCF, सेकेंड पॉइंट में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो व्हाट आर द टू नंबर्स, 26 एंड 91 मल्टीप्लाई करें, 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 इज 13, 18 प्लस 5 इज 23, दिस इज 6 6 3 2. सो 2 3 6 6, 2 3 6 6. अब देखिए इक्वल आया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू. सो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट LCM into HCF equal to product of two numbers. So simple था verification भी. ऐसे ही हम बाकी का भी कर सकते हैं. So इसी तरह बाकी का भी दोनों हम कर सकते हैं. आपको try करना है और comment session में बताना है. So next question पे हम जाते हैं, 12, 15 and 21. So देखिए अभी तक हमने दो नंबर्स का LCM HCF निकाला, अब तीन नंबर्स का है. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार है. देखते हैं 12, 15 and 21. 12 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 इज 3 इंटू 5, देन 21 इज 3 इंटू 7. तो प्राइम फैक्टर्स निकलने के बाद में हमको HCF निकालना है. सो HCF इज नथिंग बट ओनली द कॉमन फैक्टर्स इन ऑल द थ्री नंबर्स. सो कौन सा कॉमन फैक्टर है तीनों नंबर में, वो हम लिख देंगे एज एन HCF. सो कॉमन फैक्टर देखते हैं, 3. सो 3, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है. सो जस्ट 3 इज अ HCF. एंड LCM, LCM इज कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री, इनटू कॉमन फैक्टर इन एटलीस्ट 2, देन कॉमन, देन अनकॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री इज 3, इनटू अनकॉमन फैक्टर इन एटलीस्ट 2, कुछ है क्या, नहीं है. दो में भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सो नहीं लिखेंगे.
फिर इंटू अनकॉमन फैक्टर, सो अनकॉमन फैक्टर इज 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 × 7, जस्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 35, 35 × 3 = 105, 105 × 2 = 210, 210 × 2 = 420, सो एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। ऐसे ही बाकी का भी कर सकते हैं, एक और करते हैं, क्योंकि एक कुछ कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। देखिए जो 17 है, 23 है, 29 है, 17 is 17 into 1, 23 is 23 into 1, and 29 is 29 into 1, सो दैट इज, अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री इज जस्ट वन, और कोई नहीं है, तो एचसीएफ विल बी वन। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, सो इसलिए एचसीएफ विल बी वन, एंड एलसीएम विल बी इक्वल्स टू कॉमन इन ऑल द थ्री दैट इज वन इंटू कॉमन इन एटलीस्ट टू, कुछ दो में कॉमन है क्या, नहीं है वो भी, तो वो नहीं लिखेंगे, फिर इंटू अनकॉमन इज 17 × 23 × 29, सो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 11339, सो एलसीएम भी हमको मिल चुका है। बहुत सिंपल था और बहुत मज़ेदार था, ये सब सारी चीज़ों हमने सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का, और दोनों नंबर्स दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। बहुत सिंपल है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब हमको पता है एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ दिया हुआ है दैट इज 9, एचसीएफ दिया हुआ है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स दिया हुआ है दैट इज 306 और 357, सो उनका प्रोडक्ट, सो इट इज इक्वल्स टू 306 × 657। जस्ट एलसीएम निकालनी है तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 306 × 657/9, सो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 0, 3 × 2 = 3, 1 × 3 = 3, 3 × 9 = 3, 4 = 12। अब देखिए ये होने के बाद में जस्ट दिस इज 34 × 657, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है एंड यू विल गेट एलसीएम। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 657 से, सो इट विल बी 2 × 2 = 3, 3 = 8, सिंपल हो जाएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि जब 6n को हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो के साथ एंड होगा या नहीं होगा, इसका मतलब उसका यूनिट प्लेस जीरो होगा या नहीं होगा, ये बताना है 6n में। अब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। हमने पढ़ा कि इफ अ नंबर, पहले भी मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ये सेशन को, कि इफ अ नंबर कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ देन इट एंड्स विद अ डिजिट 0। जब भी कोई नंबर का फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होगा तो ही वो जीरो के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो जीरो के साथ एंड नहीं होगा। इधर फिलहाल 6n का हम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, वो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है या नहीं आता है। सो लेट अस सी 6n, 6n मींस 2 × 3 द होल रेस टू n, दैट इज 2 × 2 × 3 × 2, मतलब 2 और 3 का फैक्टर्स है, 5 है क्या, नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब ये इसका जब हम सॉल्व करेंगे सो यूनिट प्लेस 0 नहीं आने वाला। सो लिखेंगे 6, इसमें 6n में इट कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5, सो इट विल नॉट एंड विद अ डिजिट 0। सो पहले क्या लिखना है ताकि मार्क्स मिल, तो लिखेंगे बाई फंडामेंटल थियरी ऑफ एरिथमेटिक, इफ एनी नंबर कंटेन्स फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ देन इट एंड्स विथ डिजिट 0। कोई भी नंबर में 2 और 5 का दोनों का फैक्टर होगा तो ही वो 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो इफ एनी नंबर कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ देन इट एंड्स विद द डिजिट 0। हियर
सिक्स रेस टू एन कंटेन्स फैक्टर ऑफ टू बट नॉट, टू का फैक्टर तो कंटेन करता है बट फाइव का फैक्टर नहीं, देयर फोर सिक्स रेस टू एन विल नॉट एंड, नॉट एंड विथ डिजिट जीरो. सो देयर फोर सिक्स रेस टू एन विल नॉट एंड विथ अ डिजिट जीरो मीन्स सिक्स रेस टू एन का यूनिट प्लेस डिजिट जीरो नहीं होगा. सो अच्छी बात है, अब समझ गए, समझ सो होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अगर समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स. अगर कॉम्पोजिट नंबर बताना है या कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है ये एक्सप्लेन करना है तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है ये तो जानकारी होनी चाहिए. तो हमने फर्स्ट जो इसका सेशन था, फर्स्ट जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि कोई भी नंबर जिसका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होता है रैदर देन वन, वन को छोड़ के, तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. सो इफ एनी नंबर कंटेन टू और मोर देन टू फैक्टर्स रैदर देन वन देन इट इज कॉम्पोजिट नंबर. सो जो भी नंबर जिसका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होता है रैदर देन वन, तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, 7 × 11 × 13 + 13. अब ये दो टर्म्स है, 7 × 11 × 13 and 13, दीज आर द टू टर्म्स. अब ये दो टर्म्स में से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू, 13 कॉमन ले लिया, सो लिखेंगे 7 × 11 × 7 × 11 × यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 13 चला गया तो 1. अब देखिए इसका मतलब 13 एक नंबर है और ये एक नंबर है, मतलब दो फैक्टर्स हो गए 1 को छोड़ के. सो लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13 हैज टू फैक्टर्स रैदर देन 1. सो ये नंबर्स को दो फैक्टर दैट इज 13 और ये वाला नंबर, सो दो फैक्टर्स मिले हमको, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है. सो लिखेंगे दिस हैज टू फैक्टर्स रैदर देन 1, देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 इज कॉम्पोजिट नंबर. सिंपल, जैसे ये हमने किया वैसे सेकेंड वाला भी कर सकता है. सेकेंड वाला कैसा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. अब वापस से इस ये और ये दो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 5 × 7 × 6 × 5 के जगह पे 1 कॉमन चला गया, × 4 + × 3 × 2 × 1 + ये हो जाएगा 1, 5 तो कॉमन चला गया. सो लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 has two factors rather than 1. 1 को छोड़ के दो फैक्टर्स है, therefore 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is composite number. बहुत ही सिंपल था और बहुत आसान था. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आसान है. देखिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा खास इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, आप एक बार भी ध्यान दोगे तो समझ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मज़ेदार है और थोड़ा सा आपको समझने की बात है. ये हमने 7th में भी पढ़ा है ऐसे सब क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है. There is a circular path round a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. So time taken by, आप देखिए एक round मारने के लिए field का, Sonia ने 18 minutes लिया, while Ravi ने 12 minutes लिया. Suppose they start, they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मतलब same point से start हो रहे हैं, सेम
टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट में कितना टाइम के बाद तीनों दोनों मिलेंगे वो हमको बताना है. मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट. सो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इट मीन्स वॉट, इट मीन्स LCM. जैसे हमने कल पढ़ा था कि मैक्सिमम आया तो HCF निकालना है और मिनिमम आया तो LCM निकालना है. सो इसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड पूछा है कि दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम LCM निकाल देंगे और वो जो LCM होगा वो क्या होगा, हमारा मिनिमम टाइम रहेगा दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो टाइम टेकन बाय सोनिया इज नथिंग बट 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स. अब इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, वॉट विल बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो पूछा है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी इक्वल्स टू. अभी हमने पढ़ा कि वॉट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज LCM. मिनिमम पूछा है तो क्या निकालना है, LCM. सो LCM ऑफ 18 एंड 12. सो LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 18 का प्राइम फैक्टर इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3. सो LCM निकालने के लिए पहले कॉमन फैक्टर तो वो क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया, 3 भी है तो 3 लिख दिया, फिर इंटू अनकॉमन, कॉमन लिख दिया फिर इंटू अनकॉमन, अनकॉमन इज 3 इंटू 2, सो दैट इज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36. इसका मतलब व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सो दैट इज इक्वल टू आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सिंपल था आज का सेशन. आज के लिए बस इतना ही. होप करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलता रहे. और हाँ, एक ज़रूरी बात, कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, घर से बाहर ना निकलें, बी सेफ एट होम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट घर से बाहर ना निकलें.